ये किस तरह से देखते हैं बेवक्त इस कार्रवाई को, और ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जब कल केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर था तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दे दी है, तो उसके बाद तो हाई कोर्ट में रहले उसके पास कुछ चारा नहीं रहता कि इस केस का फैसला भी करे, और क्या फैसला कर रहे हैं वो भी सामने नजर आ रहा है। तो ये आप देखें, एक किस्म का यूनिक केस था कि जिसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर भी और एट द सेम टाइम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रोसीडिंग हो रही थी। मतलब इतना क्विक रिलीफ जो है वो यकीन करें कि ये आप बिल्कुल, मैं फेयर आपको दे रहा हूँ, कोई मुझे ऐसा केस बता दें कि कोई ऐसा केस हो जिसका एट द सेम टाइम हाई कोर्ट में भी केस चल रहा हो। मेरिट भी डिस्कस नहीं कर रहा मैं कि ये मेरिट बनता या नहीं बनता, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है, जो आप ये देखें कि इनकी सस्पेंशन ऑफ जो सेंटेंस है उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे चल रही है और वहाँ का बेंच जो कह रहा है उनको फैसला कर रहे हैं, फिर हम अब उसी वक्त सुन लेंगे। बहरहाल आज आर्गूमेंट हुए हैं, ये नईम साहब भी उधर मौजूद थे, तो अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने टाइम मांगा है, जो उन्होंने दे दिया, अच्छा किया टाइम दे दिया। जिस तरह इनकी इनका शिकायत थी जी कि वो अमजून दिलावर ने हमारा केस नहीं सुना है, कल को उनको तुक्का हो जाती जी कि हमारा केस नहीं सुना है, जल्दी में फैसला कर दिए, तो मेरे ख्याल में आज हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया है कि उनको मजीद टाइम दिया। हालांकि आल दो के डायरेक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की कि आज ही फैसला करें, लेकिन उन्होंने सर्कमस्टांसिस को देखकर उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए कल पे उन्होंने कहा जी कल हालांकि डिविजनल बेंच जो है डीबी जो फ्राइडे को नहीं होती, लेकिन स्पेशल इनके केस के लिए उन्होंने कल लगाई है, और कल अब मेरे ख्याल में 11:30 बजे दोबारा केस की समाप्त होगी, तो उसके फिर नेक्स्ट वीक अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नहीं लगता कि क्योंकि उनका सैटरडे संडे को, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट बादशाह है वो संडे को भी आ सकती है, ताकब निसार तो संडे साहब को भी इतवार वो लगा लेते थे सैटरडे को भी, लेकिन मुझे लग रहा है फिर वो अगले हफ्ते कोई अमल दरामद होगा अगर कोई ऐसा हुआ तो। राइट, नहीं बंजोथा साहब, आप लोगों का जिस तरह से कहना था कि सेशन कोर्ट ने बहुत जल्दी में फैसला सुनाया, तो अब ये जो बात की जा रही है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उतनी ही जल्दी इस मामले को जो है वो देख रही है, तो क्या ये तासुर दुरुस्त है? बिल्कुल जी दुरुस्त नहीं है, इतना जल्दी कोई नहीं देख रही। जिस तरह खान साहब को सजा हुई है इस केस के अंदर, हम हाई कोर्ट से हमने रजू किया और शॉर्ट डेट दी जा सकती थी जिसमें रिकॉर्ड भी तलब किया जा सकता था, बिल्कुल वाजह तौर पर जो है लंबी डेट दी गई और अगली डेट के ऊपर फिर जो है 14 दिन का टाइम मांगने की कोशिश की गई। ये तो वहां पर खोसा साहब ने बड़ा जो है इंसिस्ट किया कि ये ज्यादती है, एक दिन भी किसी की आजादी जो है उसको कर्टेल करना, उसको हवालात के अंदर पाबंद करना है, कैसे जुर्म में जो कि अगर सुना जाए तो फौरन ही उसकी जो है बेल हो जानी है, तो लिहाजा केस जो है फिक्स किया जाए, डिसाइड किया जाए अगर हमारे हक में होना है या हमारे खिलाफ होना है, अगर खिलाफ होना है तो हम ऊपर जाएंगे, हक में होना है तो भी जो भी फैसला आना है फौरन आ जाए। दूसरे नंबर पर ये नौबत क्यों आती है, ये चीजें करने की जरूरत क्यों आती है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है कि जनाब हाई कोर्ट को हदायत फरमाए कि वो हमारे केस की समाअत फिक्स करें, जुरिस्डिक्शन वाला इशू हमारा पेंडिंग है उसके ऊपर समाअत नहीं हो रही, अमर फारूक साहब के ऊपर हमने अदम एतमाद किया हुआ है, वो एप्लीकेशन हमने दी हुई है रिक्यूजल की तो वो फिक्स नहीं हो रही, वो फिक्स की जाए, बेसिक समन्स को हमने चैलेंज किया हुआ है, वो दरखास्त हमारी इतने महीनों से पेंडिंग है, वो ने कहे कि वो हमारी समाअत फिक्स की जाए। अदालतों का काम है जब केस फाइल होते हैं, और कुछ ऐसे केसेस जिनमें फॉर एग्जांपल जैसे ये मामला चल रहा था अर्जेंट बेस के ऊपर, ट्रायल जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जिसकी समाअत हो रही थी हर रोज, छुट्टी के बाद भी हो रही थी, आज आप देख लें कि 3 के बाद जो है वो अदालत ने कहा कि ठीक है जी कल के लिए मुलतवी कर दिया जाता है, लेकिन हमारी तरफ से किसी बंदे ने शोर नहीं मचाया कि जनाब इसके बाद भी सुन लें या टाइम खत्म हो गया या नहीं हुआ, बल्कि हमने यही कहा कि चलो ठीक है कल हो जाए लेकिन फैसला होना चाहिए, डिले जो है करना एक दिन भी एक मिनट भी नहीं होना चाहिए। और आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का देख लिया रवैया कि किस तरह से उन्होंने छुट्टियों के अंदर जो है ट्रायल के अंदर समाअत जारी रखी, और जब जो है अदालत का टाइम खत्म हो जाता था उसके बाद भी मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से कि खान साहब ने जब स्टेटमेंट जो है 342 की जमा करवाई तो उस दिन उन्हें मतलब 2-3 घंटे जो है वो खड़ा करके जो टाइम खत्म हो गया था उसके बाद भी वो जारी रखा, और बल्कि जज साहब तो इस मूड में थे कि रात को शायद 10 बजे तक ही लेके चले जाए। अच्छा, तो वो जल्दी जो नीचे दिखाई गई वो जल्दी ऊपर बिल्कुल नहीं दिखाई जा रही, बिल्कुल जो है वो हम पटिशन फाइल करते हैं उसके ऊपर जो है वो इतराज लगा दिए जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं पटिशन, वहां पर भी इतराज लग गया है जो कि हमें पश्चात है कि मुख्तलिफ मुकदमों में खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी बात बनाई जा रही है
स्पेशली पीएमएलएम की तरफ से। ये तासुर जो है वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैं जहांगीर जिदून साहब ये फरमाइएगा, आप ये जो प्रोसीजरल मामलात हैं, आपको लगता है ऐसा आपसे पहले भी बात हुई थी तो आपका ये कहना था कि इनका फायदा हो सकता है इमरान खान को, अभी भी आपको लगता है कि अपील की जो स्टेज है या इसके बाद जो स्टेज आ सकती है अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट रिलीफ नहीं देती तो ये प्रोसीजरल मैटर्स का फैसला फायदा हो सकता है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? ये देखे ना, मेरे तो ख्याल में जज साहब जो नीचे मयून दिलावर था, एक तो पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि वहाँ ये समरी ट्रायल था तो 11 महीने लगे, अक्टूबर में इनकी कंप्लेंट फाइल हुई है इलेक्शन कमीशन की वजह से, वहाँ पे देखे ना ये 2-3 महीने का केस था, चलो मैक्सिमम कर ले तो 11 महीने हुए हैं, तो वहाँ पे क्या जल्दी थी। तो आज मुझे एक अपील ऐसी प्रेसिडेंट बता दें जो इतनी जल्दी जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लग गई और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप फैसला करें उसके बाद हम फॉरवर्ड, कोई एक प्रेसिडेंट अभी मुझे बता दें ऐसी अपील का, चाहे शॉर्ट सेंटेंस हो चाहे एक कैप्टन सफ्तर की 1 साल की सेंटेंस थी उसमें कितना अर्सा लगा ये मुझे बता दें। अब देखें ना, कोई प्रेसिडेंट आप देखें, कोई एग्जांपल देखें कि दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, आपकी साइड पे ये हो रहा है। तो दूसरा, मेरे ख्याल में तो मयून दिलावर ने इनकी फेवर में डिसीजन दिया है, क्योंकि वो मेरा अपना ही जाती ये इरादा है, अगर वो 2 दिन बाद इनको सुनकर डिसीजन देता केस की नोयत अभी डिफरेंट होती। अब इनका पूरा जो जोर है वो इसी पे जी उन्होंने जल्दी में दिया है, उसको जल्दी में नहीं देना चाहिए था, वो तो इनका मुझे लगता है उनको फेवर कर गया है कि मैं केस देखें एक बहुत बड़ा अच्छे केस को आखिर में आगे कोई जज जो है अपनी किसी जाती वजूहत की वजह से उसमें इतना उसमें डेंट डाला है कि आप इनके पास और आर्गूमेंट नहीं है, सही है जी हमारे डिफेंस का जो है वो विटनेस से प्रोड्यूस किए हमने। अब उसके अंदर 44 हियरिंग हुई है, 3 दफा इनके जो अक्यूज्ड है वो प्रेजेंट हुए हैं, अब इसमें ये नहीं है, लेकिन आखिर में आके ये मेरी अपनी ओपिनियन है, एक 2 दिन को टाइम दे देते वो एविडेंस प्रोड्यूस हो जाती तो उसके बाद फैसला करता था ज्यादा बेहतर होता, लेकिन हो सकता है वो भी चाहता हो कि पीटीआई के जो लीडर है वो ज्यादा देर जेल के अंदर ना रहे तो जल्दी वापस आ जाए, तो मेरे ख्याल में उसकी मयून दिलावर की ये ख्वाहिश है मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है कि वो ज्यादा देर जो है मुस्लिम लीग नून का गिला है कि ये कमोवेश मुदाखलत है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की हिदायत आती हैं और खासतौर पर अगर आला अदालत जो है वो ये कह दे कि इस मामले में इन इन चीजों को जो है वो देखा जाए और ऐसा महसूस होता है कि इस मामले में ये और ये हुआ तो फिर जो है वो अदालत निचली अदालत के लिए मुश्किल हो जाती है। एक तो इसको बताइएगा, दूसरा आप जो जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से एतराजात हैं तो उस पर भी उनका ये कहना है कि बहुत मरतबा ये जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाईकोर्ट आपके हक में भी फैसला दे चुके हैं तो उन फैसलों को तहरीक इंसाफ कबूल करती है जबकि यहां पर जस्टिस आमिर फारूक और उनके फैसलों पर एतराज है। देखिए गुजारी यह है कि कोई फैसला भी अगर कानून के मुताबिक आएगा और उसके ऊपर फैसला होगा और उसके ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर कहती है कि यह ठीक है तो उसके अंदर कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए कि तरीके इंसाफ जो कह रही है कि यह ठीक है। अब ऐसे फैसले जो बिल्कुल जो है कानून के मुनाफी हो, जैसे कि खान साहब की गिरफ्तारी हुई और कह दिया वाजह तौर पर कि गिरफ्तारी हुई, मुझे कहा हालांकि मैं जख्मी हुआ वहां पर कि हमें हमदर्दी है और हम इसके ऊपर जो है इंक्वायरी करेंगे, बल्कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि इसके ऊपर जो है वो रिसाल साहब जो है वो बाकायदा तौर पर मामले को इंक्वायर करें और रिपोर्ट पेश करें। क्या वो रिपोर्ट पेश की गई, जो हमला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुआ तोड़फोड़ हुई वहां पर कैमरे उतारे गए, क्या उसकी रिपोर्ट के ऊपर बना? कुछ भी नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये गिरफ्तारी जो है ये गैर कानूनी है। अब इसी तरह डेविन वाइट वाला केस दे लें, वो इसी तरह से वेबसाइट से तोड़ा दिया गया। अब ये जो तोशाखाना वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप जो है इनकी एप्लीकेशन डिसाइड करें, क्यों नहीं करें? और आप दूसरी तरफ देख लें कि 3 दफा मैटर जो है हाई कोर्ट के पास आया है, आमिर फारूक साहब के पास हमने रिक्यूजल की दरखास्त दी हुई है, जब रिक्यूजल की दी हुई तो किसी और को भेज दें, क्योंकि आमिर फारूक साहब तो 3 दफा उन्होंने एक ही फैसला दिया कि वो ही जज हुमायूं दिलावर साहब जो है वो इस केस के ऊपर डिसाइड करें, मेंटेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन ये उठा रहे हैं ये वो समाप्त करें। लास्ट टाइम भी उन्होंने कहा कि मेंटेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन उठाया गया है और साथ जुरिस्डिक्शन का उसके ऊपर सुने, नहीं सुना गया, हर दफा वही फैसला दिया गया, पिछले फैसले को ही दोबारा रिपीट कर दिया गया। तो जब बार बार एक अदालत जो है वो ही फैसला दे रही है, ठीक है, तो उसे रिक्यूजल भी साथ गई है, तो उन्हें चाहिए था कि किसी और को ट्रांसफर कर दें, क्योंकि वो तो अपना माइंड एक दफे डिस्क्लोज कर चुके हैं। दूसरा साथ आप ये देख लें कि हमने बेसिक जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था जिसमें ये कहा गया कि कंप्लेंट फाइल की जाए और इनको मियां वाले से डीसीट किया जाता है, उस ऑर्डर को हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया, अमर फारूक साहब के पास वो केस लगा,
आज तक उसके ऊपर डिसाइड ही नहीं हो रहा। अगर डिसाइड हो जाता तो ये ना कंप्लेंट होती और ना खान साहब आए गिरफ्तार होते। हमने ये कहा कि आप उसके ऊपर डिसाइड नहीं कर रहे, फिक्स नहीं कर रहे, आप मेहरबानी करें तो वो हमारा केस हमें वापस लेने दें, हम हाई कोर्ट से किसी और जगह से रिलीफ लेंगे, कानून के मुताबिक रिलीफ लेंगे, लेकिन हम आपसे उम्मीद नहीं है। लेकिन वो केस वापस नहीं करने दिया गया, अभी भी वो उधर ही पेंडिंग है। ठीक है, तो कहां पे आप ये देख, कैसे आप कह सकते हैं कि हमारी जो अपीलें हैं वो धड़ाधड़ लग रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त जाकर देते हैं, वहां पर वो संभाल करके कहते हैं कि ज्यादती ना करें, फैसला करें। और 11 महीने की जो बात की जा रही है, खान साहब के ऊपर वजीराबाद में कब हमला हुआ, हमने दरखास्तें आके दी कि इस वक्त वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो आ सके, वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगा दी जाए या जो भी मॉडर्न डिवाइस या तरीकाकार है, हम वो अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। आपने देख लिया कि एक तो सिक्योरिटी खदशात थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में अदालत लेके चली जाए, जैसे कि दूसरे केसेस भी तो वो बेस्ट हो जाएगा, उसमें भी टाइम लगा और क्योंकि उनके ऊपर हमला था उस वजह से भी नहीं आए। और जिस वक्त 9 मई को गिरफ्तार किया गया तो फौरन ही पुलिस लाइन के अंदर फर्दे जुर्म उनके ऊपर लगा दिया गया। फर्दे जुर्म का तरीका कहा गया कि उस एक्यूज को पढ़कर सुनाया जाता है, ना पढ़ के सुनाया गया, ना उनके सामने लगाया गया, बल्कि जो है वो उनकी गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म लगा दी गई। तो उस फर्द जुर्म की क्या वैल्यू है, उसके बाद हमने ये फैसला उस दिन कर लिया, दूसरे तीसरे दिन एप्लीकेशन दे दी कि ये जज साहब से हमें माफी लेके दें, कोई और जज सुने। तो वो दरख्वास्त जो है आज तक जो है वो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिसाइड करें। अच्छा। और होती है कहां पर, आप देख रहे हैं कि दरखास्तें हमारी डिसाइड हो रही है और फैसला हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो जगह है वो ठीक हो और जो अदालत है वो ट्रांसफर कर दी जाए, तो हम बिल्कुल तैयार हैं और उसके ऊपर हमारी ये सदा थी। जी ठीक है, नए मैम पंजोता साहब बहुत शुक्रिया, वकील तरीकन साहब बात कर रहे थे, जदून साहब साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे।